जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तरीका बताऊंगा सिदरा की केवाईसी का। सिदरा की केवाईसी का बहुत ज्यादा मसला है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको सिदरा की केवाईसी करने का तरीका बताया था, फिर भी आपको मसला आ रहा है। तो अभी मैं आपको सिदरा की केवाईसी के हवाले से कोशिश करूंगा कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पूरा बता पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है ऐप को ओपन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, और यहाँ पे अपलोड करने के बाद इतवार तक, कल नहीं परसों तक, संडे तक आपने वेट करना है। तो संडे को मेरे ख्याल में 3 तारीख होगी, 3 तारीख तक आपने वेट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपना केवाईसी का डाटा इसमें अपलोड कर देंगे, आपका डाटा केवाईसी का कुछ इस तरह से जो है आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, अंडर रिव्यू जब आपको शो करवा देगा, फिर आपने पूरे 10 दिन इस अकाउंट को आपने क्या करना है, लॉग आउट करके छोड़ देना। 10 दिन के बाद फिर आपने ओपन करना है। 80% मैं श्योर हूं कि आपका अकाउंट वेरीफाइड हो चुका होगा। अगर तो नहीं होता तो उम्मीद है संडे वाले दिन दोबारा इनकी केवाईसी के हवाले से अपडेट आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो चुके हैं वो अपनी केवाईसी जो है अपनी पास देखेंगे संडे वाले दिन। तो ये एक अपडेट थी यहाँ पे, क्योंकि वो सामने ही बता रहे हैं। यहाँ पे देखें टाइमर, यहाँ पे उनका जो है मेंटेनेंस शेड्यूल सिस्टम जो है चला हुआ है। यहाँ पे वो बोलते हैं शेड्यूल मेंटेनेंस सिस्टम विल बी डाउन फॉर अपग्रेड ऑन संडे नवंबर 3 4:30 AM। ठीक है, 4:30 AM मतलब सुबह के 4:30। टाइम रिमेनिंग 1 दिन 15 घंटे यहाँ पे जो है बच गया। 1 दिन 15 घंटे के बाद जो है ये अपडेट खत्म हो जाएगी, 2 दिन के बाद। इस तरह आप देख लें, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों वाले दिन जो है संडे, संडे वाले दिन इनकी सुबह सुबह अपडेट खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे उम्मीद है जिनकी केवाईसी अंडर रिव्यू है वो केवाईसी पास नजर आएंगी। अगर आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू नहीं है, आपकी केवाईसी कुछ इस तरह जो है शो हो रही है जो कि इनकम्प्लीट शो हो रही है, या आपने की नहीं है, तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आपने जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। आईडी कार्ड यहाँ पे मैं जो है अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेशनैलिटी यहाँ पे आपने पाकिस्तान कर देनी है। तो इसके बाद जो मैं आगे, ताकि आपका टाइम बचे, मैं जो जो बता रहा हूँ आप समझते जाएं। एक दफा वीडियो समझना है, 2 बार देखें, फिर समझना है, 3 बार देखें, समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद लैंग्वेज आपका जो आईडी कार्ड है वो अगर स्मार्ट कार्ड है, उर्दू और इंग्लिश यहाँ पे दोनों लिखो। यहाँ पे आपने उर्दू भी कर देना है और इंग्लिश भी यहाँ पे आपने कर देना है। अगर गिवन नेम में आपने क्या करना है, यहाँ पे गिवन नेम के अंदर आपने अपना पूरा नेम लिखना है। जैसे आपका नाम है शाहिद मुख्तियार, जैसे मेरा नाम शाहिद मुख्तियार है, मैं पूरा नाम लिखूंगा शाहिद मुख्तियार। और आगे आ रहा है आपका फैमिली नेम, फैमिली नेम में आप लिखेंगे मुख्तियार हुसैन, अपनी वल्दियत या अपने शोहर का नाम। अगर आप फीमेल है अपने शोहर का नाम, अगर आप गैर शादीशुदा है आप अपने वालिद साहब का नाम वहां पे लिखेंगे। वो लिखने के बाद जी यहाँ पे आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ ये आपने लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी। पहले आपने ईयर लिखने हैं कौन सा साल था, फिर मंथ लिखना, फिर आपने डे लिखना है। इसके बाद जी 2 ऑप्शन आते हैं, ये ऑप्शनल है, इनको छोड़ दें। आपने आगे सेव चेंज के ऊपर जो है क्लिक कर देना। जब सेव चेंज के ऊपर आपने क्लिक करना, उसके बाद आगे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, अपलोड आईडी कार्ड। अपलोड आईडी कार्ड के अंदर आपने फ्रंट इमेज जो है अपने आईडी कार्ड की, जैसे ये मेरा आईडी कार्ड है, इस आईडी कार्ड की ये पूरा मेरा कार्ड है, ठीक है, ये पूरा कार्ड है। यहाँ पे मेरा पूरा डाटा आ रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मेरा CNC लिखा हुआ है, और ये मेरी पिक्चर है, ठीक है। ये जस्ट आपने अपने पिक्चर जो है वहां पे, जस्ट ये वाली पिक्चर CNEC की जूम करके वो आपने अपलोड कर देनी है, ये अपलोड करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे मांगेगा कि आप अपनी सेल्फी अपलोड करें। सेल्फी में आपका फ्रंट जो है आईडी कार्ड इस तरह होगा, आगे आप सेल्फी बनाएंगे ताकि आपका आईडी कार्ड भी क्लियर नजर आए और आपका फेस भी जो है वहां पर क्लियर नजर आना चाहिए। इसको कंफर्म करेंगे, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो कि बैक आईडी का आएगा। बैक आईडी के अंदर आपने अपना बैक आईडी लेना है, आईडी कार्ड को आपने बैक उसकी पूरी पिक्चर दे देनी है, पूरी पिक्चर बैक आईडी की आपने देनी है। उसके बाद फिर आपने आईडी कार्ड को ऐसे उल्टा पकड़ के बैठना है और यहां से सेल्फी लेनी है। आईडी कार्ड आपका जो बैक है वो भी वहां पे क्लियर नजर आए और आपका फेस जो है वो भी वहां पे क्लियर नजर आना चाहिए, ये आ जाएगा। उसके बाद आगे आपके पास कोई ऐसी अपडेट होगी कि यहाँ पे आप अपनी सेल्फी जो है वो अपलोड करें। आपको ऐसे जो है मोबाइल को करना पड़ेगा, आपकी वीडियो बनेगी, थोड़ा सा वो बोलेगा क्लोज योर फेस, तो आपने मोबाइल ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर ऐसे पूरा आपका जो ये फेस है
वो जो दायरा बना होगा उधर आपका पूरा फेस जो है उस दायरे के अंदर आना चाहिए। जब आ जाएगा ऑटोमेटिक वो सक्सेसफुल कर देगा और आपकी केवाईसी अंडर रिव्यू चली जाएगी। फिर आपकी केवाईसी जो है 10 दिन के लिए आपने बंद कर देना है। बंद करने के कोई मायने की नहीं करनी है, 10 दिन आपने छोड़ देना है। उसके बाद जाके अपनी अपनी केवाईसी ओपन करनी है। जो ओपन करेंगे 10 दिन के बाद मैं 80% श्योर हूँ कि आपकी केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगी। मैं खुद भी अपने अकाउंट के साथ इस अकाउंट के साथ ऐसा करूंगा। अभी आज मैंने वीडियो बनानी थी, ओपन किया, 3 दिन बंद वैसे पड़ा हुआ था। अब जो मैं इसको बंद करूंगा पूरे 10 दिन, बल्कि इतवार तक मैं इसे चलाऊंगा। संडे के बाद जो फिर मैं इसकी केवाईसी का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दूंगा कि पूरे 10 दिन बंद रखूंगा, 10 या 12 दिन उसके बाद ओपन करूंगा कि उम्मीद है इंशाल्लाह केवाईसी मेरी पास हो जाएगी। पहले इतवार तक मैं वेट करूंगा, आप भी संडे तक वेट करें इनकी, क्योंकि अपडेट ये चली हुई है। तो देखते हैं कि ये इस अपडेट के अंदर क्या करते हैं, अगर कुछ बेहतर होता है तो फिर जो है इंशाल्लाह देखेंगे, नहीं तो संडे वाले दिन मैं मैसेज कर दूंगा कि अकाउंट जिनकी केवाईसी नहीं हुई वो बंद कर दें और 10 दिन के बाद 12 दिन के बाद ओपन करें, इंशाल्लाह केवाईसी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन क्वारी है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपका भाई आपको रिस्पॉन्स करेगा। व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को भी लाजमी फॉलो करें, आपको हर अपडेट यहाँ पे मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।